अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेत छुस बस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर ते पेश खबरन हुन तफसील। भारतीय जनता पार्टी तरफ च आज जोमिस मंज तकरीब हुन सांज करना आमुत यथ मंज तरुण चुग तो देवेंद्र सिंह रानहास अलाव पार्टी लीडरो तो वर्करो शिरकत कर आत मौकस पेट येते कैयाव नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरो तरफ भारतीय जनता पार्टी मंज शमूलियत करना आई। तत चु देवेंद्र सिंह रानहान वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी तरफ च जमकन लूकन हिंज आवाज मजबूत करने बापत कदम तुलना आमित तो यह वजह छ दोमन सियासी जमातन हिंद लीडर तो वर्कर छ बीजेपी पार्टी मज शामिल सपदन। जनता पार्टी सबका साथ सबका प्रयास। जम्मू कश्मीर और भारत को मजबूत करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जम्मू सूबा से, बहुरंगी जम्मू सूबा से हर रंग की आवाज़ निकले, हिंदू की आवाज़ निकले, मुसलमान की आवाज़ निकले, सिख की आवाज़ निकले, ईसाई की आवाज़ निकले, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो जम्मू को मजबूत करे, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो भारत को मजबूत करे, ताकि हम सब लोग जो है बराबर के हिस्सेदार हों उस तरक्की की लहर में जो नरेंद्र भाई मोदी ने जम्मू भारत में शुरू की है। राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं वो बर्दाश्त कोई भी मुल्क नहीं करता, और भारत क्यों करें? अगर आप भारतीय हैं तो भारत की इज्जत करना, भारत का निशान कायम रखना आपका फर्ज है। भारत के हित के खिलाफ या भारत के खिलाफ कोई भी बात जो है कोई भी शख्स करे उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ना किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो सपोर्ट की जा रही है इससे कहीं ना कहीं एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको क्या मिलती है? एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी कंट्री। भारत एक सुदृढ़ और मजबूत जमहूरियत है, लेकिन उस जमहूरियत में कोई भी आदमी जो गैर राष्ट्रीय बात करेगा, एंटी नेशनल बात करेगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश विरोधी ताकतों को ना तो कोई आदमी सपोर्ट करना मुनासिब है और ना ही देश विरोधी कोई भी गतिविधि जो है वो बर्दाश्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस किस मौके पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमस खिताब करान वोनमुत मुल्कस सरदार वल्लभ भाई पटेल सुन दुत तो अस पज प्रेथ वि याद थावन। लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है।
राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा। जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। और साथियों, ऐसे समय में हमें सरदार साहब की एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए। सरदार साहब ने कहा था, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू ए न्यू ग्रेटनेस, व्हाइल अ लैक ऑफ यूनिटी will expose us to fresh challenge. Gharkuli mamlan hind markazi wazir Amit Shah yete aaj Gujaratas manz Rashtriya Ekta Divas kis maukas pet munaqad taqreeb doran Sardar Vallabhbhai Patelas kharaj pesh kor tat chutimo vonmut ze zarurat che ze tihz haimat vat pet yan kadam thavn azadi ke baad jaate jaate angrezon ne जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, आजादी के भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन। और आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, देश को खंड खंड करने की, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया। अखंड भारत अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े, उसको लेकर अमृत महोत्सव मनाने आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। 1547 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, अनेक प्रकार के आजादी की लड़ाइयां लड़ी रही, हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, ऐसे जाने अनजाने सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है, उनको याद भी करना है और उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगा।
वादी मस्जिद आज अलपल प्रेत जिलस मं राष्ट्रीय एकता दिवस किस मौकस पे तकरीबन हुन सांझ करना आव यद दौरान पुलिस तो सिविल इंतजामिया तरफ हलफ बरदारी तो रेस मुकाबल हुन सांझ करना आव तत श्रीनगर मं पुलिस तरफ रन फॉर पीस प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह IGP कश्मीर तो दोमो पुलिस अफसरों तो अहलकारो अलव नौजवान खिलाड़ो हिस नियो आत मौकस पे ये रेस मुकाबलस मज गच त्रे पोजिशन हासिल कर वाल नौजवान मं एनाम बगरन आये तत पुलिस सरबरा दिलबाग सिंगन अत मौकस पे वोनमुत वादी कशीर हिंद नौजवान मं भरपूर सलाहियत मौजूद ताहम यह सलाहियत बरोकार अन सठा जरूरत था इवेंट मैराथन तो इसमें बहुत सारे से आए थे, बाहर से आए थे, कुटवा से आए थे, जम्मू से आए थे और जो यहाँ पर जो ये मैराथन थी कश्मीर मैराथन थी तो जो ये आज ये मैराथन थी यह थी ये 10 किलोमीटर की मैराथन तो मैंने इसमें 3rd प्लेस क्या हासिल की और मेरी यही मैसेज है अगर क्या हम ये पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के साथ क्या हमें ना ये भी रखनी है फिटनेस का भी ये क्या रखना है ध्यान जिसका इवेंट हो रहा था ये रन फॉर पीस यहाँ जो हो रहा था ये मैराथन है तो इसे सब जूनियर गर्ल्स बॉयज़ सब जूनियर बॉयज़ है प्रीटीन जो भी एज के है और उनमें से कैश प्राइज भी रखा था और मेडल्स भी रखे थे हाँ हम चाहते हैं ऐसे इवेंट बार बार होने चाहिए मेरा नाम सोलह अशरफ शाह है मैं गांधरबल से हूँ मैं टाइकोंडो प्लेयर हूँ मैं आयरन फिस्ट विंग चुन एकेडमी से हूँ और आज यहाँ पे रन फॉर पीस में हाफ मैराथन था मेरे साथ 20 गर्ल्स आई थी हम सब ने पार्टिसिपेट किया हमें बहुत मज़ा आया और हमने पोजीशंस भी होल्ड की है मेरे यहाँ पे मैंने फोर्थ पोजीशन हासिल की है एंड हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो थैंक यू हम लोग आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर पर आर्मड पुलिस की तरफ से हम लोग नौजवान बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए छोटे बच्चों के लिए सबके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं इससे पहले जश्न डल का प्रोग्राम आपने देखा साइकिल रेस देखा जिस और आज का ये जो प्रोग्राम रन फॉर पीस और रन फॉर यूनिटी आज आपको पता है कि नेशनल लेवल पे यूनिटी डे भी है जहाँ पर हम लोग सब हर बरादरी हर भाईचारा मिलके एक दूसरे के साथ मुल्क की तरक्की और सलामियत के काम करने के लिए प्लज लेते हैं कसम लेते हैं वो दिन भी है आज आज के प्रोग्राम में कुछ 700 से ज़्यादा बच्चों ने बुजुर्गों ने बच्चियों ने और सब तरह की जो कैटेगरीज में लोगों ने हिस्सा लिया आपके सामने अभी प्राइज सेरेमनी हुई है मैं आर्मड पुलिस को मुबारक देता हूँ ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए और जो विनर्स हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया यप अत मौकस पे पुलिस सरबरा दिलबाग सिंगन नौजवान वोनमुत जम ग तशद वत त्रवि तलीम हंदिस मैदान मज यन तिहद मुस्तबिल ताबनाक बना इस वक्त हम लोग जो जिस माहौल को देख रहे हैं इसमें लोग अमन और शांति चाहते हैं लोग किसी भी तरह के तशद्दुद के खिलाफ हैं जहां तशद्दुद की कुछ कार्रवाइयां हुई जिसको लोगों ने बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर उसकी मजम्मत की उसको कंडम किया और अभी का माहौल इस वक्त फिर से बहुत अच्छा है और आपने देखा है जो बच्चों की पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीज़ें हैं मुझे इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं कंडम करते हैं हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ अपने समाज के खिलाफ अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं आपके इस कदम से हर किसी को तकलीफ पहुँचती है आपकी अपनी जान भी इसमें जाया होती है मैं यही कहना चाहता हूं कि हथियार उठाने की जगह जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो बच्चे पढ़ें लिखें अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें मेरा भी यही पैगाम है कि वेपन उठाने से नहीं कलम उठाने से वेपन उठाने से नहीं किताब उठाने से वेपन उठाने से नहीं अपने समाज अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करने में ही समाज की बेहतरी है अपनी बेहतरी है
नाजरीन ये पेट नो सी उत्तराखंड उत्तराखंड मजक उत्तराखंड वजीर आला पुष्कर सिंह दामी अकिस प्रोग्राम वो तुम क्या वनान। मेरे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलना बहुत जरूरी है और मैंने भी उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भी खोल दीजिए और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुले। उसके लिए सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई हैं और आज इनका जन्मदिन भी है। और देखिए आज जन्मदिन के दिन इन्होंने तय किया कि मैं अपने देश के जो वीर जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान किया है, हमारी देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, भारत माँ की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को निछावर किया है, उनके परिजनों के साथ, उनकी माताओं बहनों के साथ, ऐसे वीर जवानों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे भी, मैं भी अपने आप को आज इनके आग्रह पर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं सच बताऊं तो दो तीन विषय ऐसे हैं जिसमें से एक छात्रों का विषय है, एक नौजवानों का विषय है, विद्यार्थियों का विषय है और एक सैनिकों का अगर कोई भी विषय होता है, सैनिकों की कभी कोई बात होती है, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैं सैनिकों के बीच में जाना अपना अपने आप को अपना गौरव समझता हूं। तो और मुझे इसमें निश्चित रूप से आज गौरव की अनुभूति हो रही है कि आपका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग आप सबके बीच में हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप दीर्घायु हो और जैसा अभी सुबोध भाई कह रहे थे आपकी ये ऊर्जा हमेशा यूं ही बनी रहे और इसी प्रकार से आप कोटद्वार क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए लगातार विकास करते रहें, नित नए आयाम आप गढ़ते रहें। आज के अवसर पर इस मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, श्रीमान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल जी, रिटायर्ड कर्नल बलवीर सिंह गुसाई जी, DIG रिटायर्ड जयन सिंह नेगी जी, भाई विपिन कंतोला जी, सुमन कोटनाला जी, भाई शीतल जोशी जी, सुनील गोयल जी, मनोज पांथरी जी, योगेश कुमार जी, जंग बहादुर सिंह रावत जी, नीलम मंदोलिया जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा चंद्रमोहन सोला जी, विंग कमांडर BPS रावत जी, कर्नल BS गुसाई जी, कर्नल राजेंद्र प्रसाद बर्थवाल जी, कर्नल BV ध्यानी जी, कर्नल ओम प्रकाश फरसवाण जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे जिनको आज सम्मानित करके यहाँ पर हम सभी लोग अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे शहीदों के परिजन, हमारी वीरांगनाएं, उनके परिवार से आए हुए सभी अभी अभिभावकगण, मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग, मैं देख रहा हूं कि काफी समय से आप सब लोग एकदम टकटकी लगा के यहां पर बैठे हुए हैं और बड़ा अद्भुत मुझे लग रहा है यहां पर देखकर कि एक भी, जितनी संख्या यहां पर जब हम आए थे उस समय जितनी संख्या थी उसमें से एक भी कम नहीं हुआ। मैं इसके लिए आपका, आपके इस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, इस नाते मैं जानता हूं कि एक सैनिक के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं और हमने देश की जो हमारी सेना है उसका जो इतिहास है वो अदम्य शौर्य और वीरता और साहस का परिचय देती है। हमेशा चाहे हमने 1949 में कब्बालियों के बेस में आई हुई पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया गया हो या 1962 में चीन के साथ लड़ा गया युद्ध हो, 1965 में बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान के साथ लड़ा गया हो युद्ध हो, या 1971 का युद्ध हो,
चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या सियाचिन की -40 डिग्री तापमान पर हमारी सेना ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया है वो हमारे लिए गौरव की बात है। चाहे श्रीलंका के अंदर आईपी कैप हो, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, हर समय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चाहे लड़ा गया कारगिल का युद्ध हो, और कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, भाइयों बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कारगिल के युद्ध से पहले जितने भी युद्ध देश के अंदर लड़े गए वो सारे के सारे युद्ध देश की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में तो जीते गए, लेकिन जब समझौते की टेबल पर वो युद्ध लड़े गए तो समझौते की टेबल पर ये युद्ध हार दिए गए। पहला युद्ध कारगिल का युद्ध ऐसा था जो सेना ने मैदान में भी जीता और टेबल में भी जीता। इसका श्रेय तत्कालीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मैं लंबे समय से चूंकि मैं एक सैनिक परिवार में पला बड़ा हूं, जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो एक बात मैं हमेशा याद आती है कि 1962 से लेकर अब तक देश के अंदर बहुत सारी सरकारें आई, कभी भी हम पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ते थे, दूसरे देश के मोर्चे पर लड़ते थे, लेकिन अगर चीन के मोर्चे की बात आती थी तो मन में थोड़ा सा कुछ न्यूनता आती थी, हमारे जोश में कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कमी आ रही है। उसके पीछे एक इतिहास की बात थी कि 1962 में हमारा नेतृत्व तो कैसा था, सेना हमारी तब भी बहादुर थी, सेना आज भी बहादुर है, लेकिन नेतृत्व तो करने वाला कौन है। इस बार जब गलवान की घाटी पर आमने सामने हुआ, हमारे 20 योद्धा 20 रणबांकुरे शहीद हुए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का इतिहास बना दिया कि आगे से कोई चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, दुनिया का कोई देश हमारी तरफ हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, एक शक्तिशाली भारत बन रहा है, एक आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जो भारत हर क्षेत्र में आज मजबूती से कदम रख रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश है एक मजबूत हाथों में है। आप देखिए देश के अंदर तमाम तरह की योजनाएं चालू हुई हैं, और पहली बार, चूंकि ये सैनिकों का कार्यक्रम है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले देश के अंदर हथियार दूसरे देशों से आयात किए जाते थे, अब पहली बार हो रहा है कि हथियार अब देश के अंदर से दूसरे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। ये ऐसा सशक्त भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान चारों तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अभी आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के अंदर अभी पिछले दिनों जिस प्रकार की वहां तालिबान को लेकर घटना हुई, हमारे देश के वहां हजारों लोग वहां फंसे हुए थे, उत्तराखंड के भी हजारों लोग वहां फंसे हुए थे, चाहे उत्तराखंड के लोग हो चाहे भारत के लोग हो, एक एक भारतवासी को, एक एक उत्तराखंड वासी को वापस लाने का काम भारत की सरकार ने किया है, क्योंकि अब सशक्त भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत है, भारत को हर कोई पहचान रहा है। आज फौज का मनोबल भी बढ़ा है, और मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी और जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी, वो अपना जन्मदिन, अपनी होली, अपनी दिवाली या कोई भी त्यौहार वो प्रधानमंत्री निवास में नहीं मनाते हैं, वो अपनी होली, अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन कभी सियाचिन में जाकर मनाते हैं, कभी सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, कभी किसी सीमांत बॉर्डर पर जाकर मनाते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना का मनोबल बढ़ रहा है। हिमाचल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यमजन एक तकरीब दौरान खिताब करान, तो खिताब दौरान फौजिक तारीफ करान, तो फौजिक तारीफ करान करान वन वजीर आला उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामियन जे फौज प्रेथ सात मुकाबले करने बापत तैयार, ताहम च जरूरत जे मुल्कस मज गई सरकार तिथ आसन। तो नाजरीन इस वोशर खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।